हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सके। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती है। तो दोस्तों आज मैं हूँ फैजाबाद रोड पर और मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट हैं वो कहाँ से आए वो मैं जान लेता हूँ और कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यूज़ कि मैं अभी NH-24 पे हूँ, जो फैजाबाद रोड हाईवे लखनऊ से करीब 20 से 30 किलोमीटर मैं बाहर आ चुका हूँ और इन लोगों को हाईवे की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो मैं इनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है इनका? हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? अमित कुमार महतो। हाँ जी, अमित कुमार महतो। अमित, कौन सा डे आज आपको ड्राइविंग करने का? थर्ड डे। कौन कौन से गियर में कार अभी तक आपने चलाई है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो रेडी है? चलिए सीट बेल्ट वगैरह लगा लीजिए, गाड़ी एकदम रेडी, सीट उट एडजस्ट कर लीजिए, फिर चलते हैं। आज मैं आपको हाईवे पे कार चलवाऊंगा जो कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में, ठीक है? गाड़ी चलेगी आज आपकी 40 50 60 70 80। तो एकदम अलर्ट हो जाओ, अपने साइड मिरर वगैरह एडजस्ट कर लो, देख लो पूरी तरीके से कि आपको प्रॉपर दिख रहा है सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये मेरी कार है और ये है हाईवे, जो कि आप देख सकते हैं कि पीछे का जो हाईवे का जो रूल है कि हाईवे पे गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, किस टाइप से। तो निकलते हैं दोस्तों यहां से। चलो अभी इंजन ऑन कर लो। पहले अपना माइंड मेकअप कर लो, अपना लुकिंग ग्लास सेट कर लिया, दिख रहा है प्रॉपर ये लेफ्ट वाला दिख रहा है? चलो गुड। तो दोस्तों ट्रक काफी चल रहे हैं और हाईवे पे कार चलाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आइडिया लगाना होता है कि हमें लेफ्ट और राइट में कैसे अपनी कार को कंट्रोल करना है। जैसे राइट से देखो बस आ गई, अपने राइट वाले मिरर को चेक किया था, क्यों नहीं किया था? यही तो मिस्टेक होती है। अब आपको सिग्नल कहाँ का देना चाहिए था? राइट का। और आपने सिग्नल कहाँ का दे रखा है? नहीं नहीं नहीं, जब गाड़ी आपने बढ़ाना स्टार्ट करा था उससे पहले सिग्नल राइट का देना चाहिए था ना। फिर यही चीजें तो सीखनी है माय डियर। बाकी तो आप बहुत अच्छा चला रहे, नो डाउट। और इसी लाइन में रखना, राइट वाली लाइन में नहीं जाना है। अभी थर्ड गियर डालिए, क्लच पूरा दबाया करिए और गियर को सही डायरेक्शन में लाके चेंज किया करिए। तो उससे क्या होगा कि कभी भी गाड़ी में गियर और क्लच का डिस्टेंस नहीं होगा, दोनों मैचिंग होनी चाहिए। उधर क्लच दबाया, इधर गियर को टच कर दिया। अभी कौन से गियर में है आप? थर्ड गियर। थर्ड गियर की जो स्पीड होती है 30 से 40 होती है। स्पीड बढ़ाइए, 40 क्रॉस करो, 40 से ऊपर जाओ, उसके बाद सीधा सीधा फोर्थ गियर। चलो फोर्थ गियर डालो, गुड, जाने दो। जिस लाइन में हो इस लाइन में, अब फोर्थ गियर में आप 40 से 60 चल सकते हो, बट लाइन क्रॉस नहीं करनी है। अपने राइट वाले आरबीएम को बार बार रिकॉल करना है आपको, ठीक है? और अपने लेफ्ट वाले आरबीएम को बार बार रिकॉल करना है, ताकि आपके अगल बगल से जो लोग निकल रहे हैं वो आपको क्लियर दिख सके, ठीक है? जहाँ पे ये देखो कट्स वगैरह आ रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको। ये जो हाईवे पे कट होते हैं ना, यहाँ पे लोग अचानक आ जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग करके चलना है आपको। अभी स्पीड मेंटेन करिए, गुड। अभी क्लच का रोल नहीं है तो आप अपने लेफ्ट वाले पैर को डेड पैंडल पे रख सकते हैं। जाने दो, स्पीड बढ़ाओ। हाँ, लाइन लहरानी नहीं है गाड़ी, अगर आप लहराओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखा अभी दीपक ने कितनी गजब की गाड़ी चलाई, बस दो जगह इसने गलती करी थी जहाँ पे क्लच नहीं दबाया। बिना क्लच के इसने गियर लगाने की कोशिश करी, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया क्लच और गियर का मैचिंग। बाकी इसने सेकंड डे के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, जिस तरीके से कल ये डर रहा था उस हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी चलाई। आधे घंटे के अंदर इसने 22 किलोमीटर गाड़ी पूरी चला डाली। स्पीड बढ़ाइए, निकालो, जाने दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप अपनी राइट वाली लाइन में अगर गाड़ी लेके आ गए तो आप 40 से 60 चल सकते हैं, 40 से 60 चल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बट अपने राइट वाले मिरर को चेक करते रहना है आपको कि राइट वाला जो टायर है और पीछे जो राइट में आपके ये वॉल है डिवाइडर, इससे कितना डिस्टेंस है, क्योंकि गाड़ी अगर फास्ट चल रही है और आप उसका जजमेंट नहीं कर पाए तो गाड़ी आपकी डिवाइडर में टकरा सकती है। वो जो वाइट लाइन बनी है वो इसीलिए बनी है कि ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आपकी जो गाड़ी है वो कितना डिस्टेंस पे चल रही है।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हॉर्न हॉर्न, गुड 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 गुड, जाने दो। चलते रहो धीरे धीरे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जब भी किसी को आप ओवरटेक कर रहे हो तो उसको एक बार लॉन्ग हॉर्न देना है। क्या देना है? लॉन्ग हॉर्न देना है, ताकि उसको ये श्योर हो जाए, कंफर्म हो जाए कि गाड़ी कोई ओवरटेक कर रही है। ठीक है, चलो अभी स्पीड बढ़ाओ। अभी आप 60 तक चल सकते हैं, क्योंकि आप राइट वाली लाइन में चल रहे हो ना, तो राइट वाली लाइन में आप स्लो नहीं चल सकते हो। अगर आपको 40 माइनस चलना है, 40 चलना है, तो आप गाड़ी को लेफ्ट वाली लाइन में रखोगे। अब यहाँ पे कट आया ना, चौकन्ने हो जाना, चारों तरफ नजर डालने की। ऐसे में कभी भी कोई भी देखो, इधर से एक बाइक वाला बंदा आ रहा था। चलो अभी स्पीड बढ़ाओ। गुड, और स्पीड बढ़ाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के फिफ्थ गियर डालो सीधा सीधा, स्टीयरिंग लहरानी नहीं चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जाने दो। अब गाड़ी का इंजन एकदम स्मूथ चल रहा है। 60 से 80 के बीच में अगर आपको चलना है तो आप गाड़ी में फिफ्थ गियर लगा सकते हैं। 60 से 80 के बीच में, अगर 60 से नीचे डाउन चलना है तो आप फोर्थ गियर में चल सकते हैं। पहले की गाड़ियों में फिफ्थ गियर नहीं हुआ करता था, तो फोर्थ गियर में ही गाड़ी टॉप गियर माना जाता था। बट अभी तो फिफ्थ गियर, सिक्स गियर, सेवन गियर तक गाड़ियां आ गई हैं। बस अपने राइट वाले मिरर को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कंट्रोलिंग रखिएगा। जो व्हाइट वाली लाइन है उसको दबाइएगा नहीं, ठीक है? बस, और स्टीयरिंग लहरानी नहीं चाहिए माय डियर। तो आप देख सकते हैं, आज अमित का है थर्ड डे और ये आए हैं बिहार से। और मेरा बस यही कोशिश रहता है कि मैं जो भी बंदा मेरे पास बाहर से आता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको सिखा सकूँ, चाहे वो ट्रैफिक का हो, चाहे हाईवे का हो, चाहे वो नाइट की प्रैक्टिस हो। ये सारी चीज़ें मैं करा देता हूँ डे वाइज के हिसाब से। बाकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है आपका, नो डाउट। जब किसी को हम ओवरटेक करते हैं तो हम अपने लेफ्ट वाले आरबीएम को जरूर देखते हैं, राइट वाले आरबीएम को देखते हैं। अब देखो जो हमारे बगल से अलकजार गई है, इसकी स्पीड 100 प्लस है। कितनी है? क्योंकि 70 प्लस तो आप ही चल रहे हो 80 के अराउंड, तो वो 100 प्लस है। बट ऐसे में एक चीज का ध्यान देना, स्टीयरिंग जरा से भी लहरानी नहीं चाहिए। जितना लाइट स्टीयरिंग पकड़ोगे उतना गजब का कॉन्फिडेंस रहेगा, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। स्टेबल रहना पड़ता है, जितना स्लो चलाते हो उतना स्टीयरिंग को थोड़ा सा हार्डली लेना होता है, और जितना आप हाईवे पे तेज चलते हो उतने में स्टीयरिंग आपका, जैसे 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 गाड़ी तेज चलती है वैसे वैसे स्टीयरिंग बहुत स्मूथ हो जाता है, पानी की तरीके से स्टीयरिंग चलता है आपका। अभी गाड़ी चल रही है दोस्तों फिफ्थ गियर में और 60 प्लस है गाड़ी, तो जब 60 डाउन होने लगे तो उसके बाद हम गियर डाउन कर सकते हैं। अगर 60 से स्पीड कम हो जाए तो फिर वहां पे हमको गियर भी डाउन करना होता है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, ताकि जब भी कभी स्पीड कम हो रही तो उसके साथ साथ हमें गियर भी डाउन करना है। अब सामने आ रहा है इंडिया टैंक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। स्टीयरिंग लहरानी नहीं चाहिए, स्पीड ज्यादा हो गई स्पीड कम करो और कम करो, ब्रेक से बस जाने दो। चलो गुड, अभी यहाँ पे कट था ना, इसलिए अभी गाड़ी में गियर फोर्थ कर लो। देखो लहरा गई स्टीयरिंग, लहरा गई, आप लहराई ना, क्योंकि आपने स्टीयरिंग 12 o'clock पे नहीं पकड़ी थी, बीच में 12 नंबर पे स्टीयरिंग पकड़नी चाहिए थी, इसलिए स्टीयरिंग लहरा गई। अगर उसको 12 o'clock पे पकड़ते तो जो बबल हुई थी ना, ये नहीं होती। अगर आप 60 से 80 की स्पीड में चल रहे हो, स्टीयरिंग जरा सा भी लहरा गई तो क्या होगा, सीन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो जाने दो। कभी भी गियर बदलते टाइम स्टीयरिंग को टाइट नहीं करना है, ठीक है? अगर टाइट करोगे तो सीन हो जाएगा।
अभी स्पीड कम कर लो क्योंकि फोर्थ गियर में हो ना, तो 60 के अंदर ही रखो बस, 60 को क्रॉस नहीं करना है क्योंकि आगे ट्रैफिक भी आ रहा है थोड़ा सा। स्पीड कम करो ब्रेक से, स्पीड ब्रेकर है ना, बस चलो जाओ। अब यहाँ पे आपने क्या करा, क्लच दबा के स्पीड कम करी, क्लच दबाने की जरूरत थोड़ी थी भाई। जब गाड़ी 40 से 60 की स्पीड में चल रही तो आप बिना क्लच के गाड़ी की स्पीड 10 15 20 की जो भी कम करनी कर सकते हो। अभी इंजन वाइब्रेट किया था, क्यों किया, क्योंकि आपने पहले पूरा क्लच दबा लिया फिर आपने ब्रेक को लिया। देखो ट्रैक्टर है सामने, लाइन चेंज करो, देख के गाड़ी भी है पीछे। ए! क्या कर रहे हो भाई, क्या था ये, क्यों नहीं देखा तुमने लेफ्ट, ये गलती कभी मत करना जो अभी तुमने करी है। बिफोर प्लान करना है, इस वाले मिरर को बार बार रिकॉल करना है। गाड़ी देख रहे हो 70 80 100 की स्पीड में निकल रही है, एक सेकंड लगेगा सीन होने में, समझ रहे हो, एक सेकंड, ज्यादा उससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बिना देखे ना लेफ्ट आना है ना राइट आना है, सबसे पहले अपनी नजरों को देखना आपको लेफ्ट और राइट में चल क्या रहा है। तो दोस्तों आपने देखा आज इनका थर्ड डे है, और थर्ड डे के हिसाब से जो ये गाड़ी इनकी चल रही, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ गियर में इन्होंने कार को आज कंट्रोल करना सीखा। बट अभी इन्होंने एक मिस्टेक कर दी थी, जब सामने ट्रैक्टर जा रहा था तो इन्होंने बिना देखे गाड़ी को लेफ्ट दबा दिया था। अभी स्पीड कम करो ना, थोड़ा पहले से स्पीड कम करते, लास्ट मोमेंट पे नहीं, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब चौराहा आ रहा है तो पहले से स्पीड कम करो, लास्ट मोमेंट पे जाके कम करोगे तो ज्यादा ब्रेक लेना पड़ेगा। अगर पहले से थोड़ा सा ब्रेक लेके रखोगे तो वहां पे लास्ट में आपको ब्रेक कम लेना पड़ेगा। जहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर है, जहाँ पे ट्रैफिक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पहले से ब्रेक ले लेना चाहिए ताकि गाड़ी कंट्रोल हो जाए आसानी से। दोस्तों NH24 है ये और नेशनल हाईवे, इस पे गाड़ियाँ जो है बहुत फास्ट चलती हैं, बहुत बिजी रूट है। अभी तो थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, अभी 8 बजे के बाद इस पे इतना ट्रैफिक हो जाएगा। ज्यादा राइट सटाना नहीं माय डियर, ज्यादा राइट नहीं सटाना है। गाड़ी की लगभग स्पीड जो है वो 60 के अराउंड है, 60 के आसपास, और आगे रेड लाइट आ चुकी, थोड़ा सा स्पीड कम कर लो, जाने दो धीरे धीरे। देखो बाइक वाला बंदा आ गया राइट से, ऐसे लोगों से तो बचना है हमें जो ये अचानक आ जाते हैं, है ना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम।